Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. My name is Haveed Asghar and I'm your instructor, your mentor, your instructor in this session. And today, aaj jo hum basically just cheez ke upar development karne ja rahe hain, that is the jo ke hum already kar chuke hain. Same thing, we have done this in PowerPoint, just the graphic design ke aspect se humne PowerPoint में different चीजें develop की थी, different characters develop किए थे. आज approximately 2 weeks के बाद we reach to the level के different tools and different चीजों को study करने के बाद we have reached to this level कि आज हम वही चीज Photoshop में बनाने के लिए जा रहे हैं. And that's a very good thing that we have reached to this level. And जितने मेरे सुनने वाले ये video lecture देख रहे हैं, आज के session की सबसे important चीज ये है that we will be using different tools for the development of this sort of characters. हमने ये पहले PowerPoint में किया, आज हम Photoshop से में ये characters develop करेंगे and इंशाल्लाह यही चीज within coming days हम इंशाल्लाह Illustrator में भी develop करेंगे. उससे advantage ये होगा कि अगर आपने कोई भी character time based अगर लेकर उसको चले, let's suppose if you have the time for about 1 hour, so you can straight away go to the PowerPoint and just on simple boxes se aap draw kar sakte. But if someone says ke no, we just want ke ek representation presentable shape mein wo character ho, to then you have multiple tools again with this, like for example Photoshop mein we have learned ke hum Photoshop mein different tools like pen tool, like is tarah ke different tools se hum ye cheez bana sakte hain, very easily we can create. और यही चीज मोर प्रोफेशनल वे में, बिकॉज दीज आर नॉट द पिक्चर्स, दीज आर द इलस्ट्रेशंस, तो इलस्ट्रेटर इज मेंट फॉर दिस, तो इलस्ट्रेटर में ही एक्चुअली काम हो सकता है. लेकिन इलस्ट्रेटर एज कंपेयर्ड टू द फोटोशॉप जस्ट वन स्टेप डिफिकल्ट है, अदरवाइज इलस्ट्रेटर भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपको फोटोशॉप में ज्यादा आप यूज टू हो गए, एक्सपीरियंस आपका हाथ आपका साफ हो गया, तो यू कैन वेरी इजली डू द सेम थिंग इन इलस्ट्रेटर. सिर्फ टूल्स और ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, बाकी रेस्ट रिमेंस द सेम. ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक कैरेक्टर फर्स्ट, व्हिच इज दिस वन. मैंने काफी सारी रिसर्च की इंटरनेट के बाद और उसके बाद आई थॉट कि दिस इज द बेसिक कैरेक्टर जो हम बड़े आसानी से डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल. इवन पेन टूल ना भी हो तो लेसर टूल से भी हम ये डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनी वन ऑफ द कैरेक्टर. लेट्स सपोज मैं इसमें से एक ये वाला कैरेक्टर व्हिच इज द टॉप वन, ये एक पिक कर इसकी कॉपी बनाता हूं एंड लेट्स मेक अ कॉपी वाइट हेयर, ये बैकग्राउंड हो जाएगा और इस पिक्चर में से मैं सिर्फ और सिर्फ ये रखता हूं. उसको करने का तरीका ये है कि आप इतना सा एरिया सिलेक्ट करें कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्सेस के अंदर यही कैरेक्टर आ रहा हो. ठीक है, सेलेक्ट से इनवर्स सेलेक्ट करें, इनवर्स. ठीक है जी, सेलेक्ट से इनवर्स, इसका मतलब है कि ये रिमेन्स एंड दिस वन वुड बी एलिमिनेटेड. जस्ट प्रेस द डिलीट बटन, तो सेलेक्टेड में से ये डिलीट हो जाएगा. ओके, डन. अब हमारे पास एक चीज सामने आ गई. नाउ वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज के हम यहां से ये वाला कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट टू डेवलप इन द फोटोशॉप. ठीक है, सो लेट्स जूम इन और जूम इन करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ पेन टूल से प्रोफेशनली ज्यादा अच्छा तरीके से बन जाएगा. लेकिन अदरवाइज अगर आप सिंपल इस वाले टूल से करना चाहते हैं तो ये देखें, यहां से भी ये इजीली बन सकता है. ठीक है, आप इतने इतने शेप्स, डिफरेंट ये वाली शेप, फिर ये वाली शेप इस तरह करें, फिर सेलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करें लाइक इस शेप में एंड थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करें फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट राइट. सो दैट्स हाउ यू कैन रीच दिस लेवल. ठीक है, सो वेरी इजीली ये आप प्रेस द एंटर की एंड इस तरह करने से देन यू कैन प्लेस. ये सिंपल सर्कल है, ये भी ऐसे ही थोड़ा सा डी शेप है. लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, मोर प्रोफेशनल वे इज टू यूज द पेन टूल. पेन टूल क्या करेगा, आप इतने सारे एरिया की सिलेक्शन लेकर इसमें स्ट्रेट वे हम कलर फिल करते हैं. दिस इज अनदर वे, एक तरीका वो है, एक तरीका ये है. लेसर टूल से भी हो सकता है. लेसर टूल कंपैरेटिवली थोड़ा सा रफ टूल है,
लाइक आप यूं यूं एजेस बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये आपको वो फाइननेस नहीं देता, ठीक है। इसके एजेस बिल्कुल जिस तरह ज्योमेट्रिकल शेप में सर सर विदाउट उसके एंगल के बगैर वाली स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अगर इससे आपने करना है तो फिर इसी में एक टूल ऑल है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लैसो। मैग्नेटिक लैसो टूल ये कि एज अ मैग्नेट इस चीज को खुद ब खुद पिक करना शुरू कर देगा। That you haven't learned in a last session. Let's suppose आपने यहाँ पे क्लिक किया and ये देखें, ये खुद ब खुद इसने पिक करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसकी क्वालिटी क्यों, ये देखें खुद ब खुद इसने पिक करना शुरू कर दिए, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं कि ये फर्दर रिफाइन हो तो इट माइट नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिफाइनमेंट, राइट। एंड फर्दर इसकी सेटिंग्स पे ले जाके विड्थ और इसकी कॉन्ट्रास्ट वो जब चीजें करेंगे तो सॉरी backspace and here it is, ठीक है। अब आप ऑटोमेटिकली यहाँ से आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन तो होगी, लेकिन as you all see कि इसके edges में से इसने बहुत सारी चीजों को ये ड्रॉप कर दिया। सो दैट मीन्स अगर आपने रफ काम करना है तो फिर तो ठीक, अदरवाइज दिस वॉन्ट वर्क, ठीक है। सो लेट्स जूम, लेट्स कैंसिल दिस वन एंड मूव टू द पेन टूल which is more, which actually gives you a lot more control than any other tool. जैसे ही आपने pen tool select किया, pen की properties, किसी भी tool को select करेंगे, उसकी properties आ जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही, आपने इसको select किया, और auto add और delete का button, by default it is selected. So let's start from any one point, और यहाँ पे आके इसको यहाँ, और आपने click को छोड़ना नहीं है, mouse के ट्रिगर को प्रेस करके रखना है, विद दी आर्ट की इस एंगल को ब्रेक करना है, एंड यहां से फिर आप अगला सिलेक्ट करें। नॉट नेसेसरी कि ये बिल्कुल उसके ऊपर ही हो, लेकिन समवेयर समवट क्लोजर टू दैट, ठीक है। ओके लेट्स डू दिस, जल्दी जल्दी से हम जो इस पे कीज इस्तेमाल हो रही है, दैट इज फॉर द टाइम बीइंग जस्ट आर्ट की, आर्ट की इज जस्ट टू ब्रेक दिस एंगल, otherwise I am using mouse and that's it. अगर ये एंगल ठीक नहीं हो रहा तो there's no problem, आपने एंगल आपसे गलती से लग गया, just press backspace, backspace से इससे दोबारा कनेक्ट करना है, like इस जो last हमारा पॉइंट एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हुआ उसके ऊपर दोबारा क्लिक करें एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। आई होप के ये चीज शायद प्रोबेबली मैंने पहले नहीं बताई थी, सो ये अभी इंटेंशनली लाइक ये देखें यहां से मैंने यहां पे क्लिक किया एंड लेटर आई रियलाइज कि ओहो ये तो अब ये वाला एंगल मुझसे नहीं बन रहा। सो दो तरीके, एक तरीका ये है कि इसको बेशक यहीं पे छोड़ दें एंड लेट्स क्रिएट यहां पे एक ऐड कर दें और एंकर पॉइंट, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि बैकस्पेस करें तो यहां से वापस खत्म हो जाएगा, यहां से यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेम एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। अब इसको कंट्रोल की से यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन, कंट्रोल की से वापस लाना है और आल्ट की से इसके एंगल को एक्सपैंड या रिट्रैक्ट या जिस भी एंगल पे आप लेके जाना चाह रहे हैं उस पर ले जाओ। सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल आल्ट एंड स्पेस बार से आप इसको मूव करते रहेंगे साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन, वहां पे क्लिक किया एंड लेट्स डू दिस वन। तो ये आपका जल्दी जल्दी में मैं कर रहा हूँ, फर्दर रिफाइनमेंट यू कैन डू एट योर ओन, ठीक है जी। अब ये वाला एंगल इसने आना है यहां तक और यहां से इसने जाना है यहाँ। सो दैट्स हाउ योर जो बालों वाला सेक्शन है दैट्स कंप्लीट, दैट्स द पाथ वन। डबल क्लिक करें, इस पाथ का नाम रखते हैं हेयर्स या हेड या हेयर्स, व्हाटएवर जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस पे क्लिक करें, कंट्रोल एंटर करें या इस पे क्लिक कर दें एंड लेयर्स पे जाकर इसमें एक नई लेयर क्रिएट करें विच इज ऑफ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट इज द ब्लैक कलर। तो हमने ऑलरेडी ये ब्लैक, बाय द वे 100% ब्लैक नहीं होता, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा इस तरफ वाला ग्रेश टाइप ब्लैक होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द मोर अप्रोप्रिएट वन। कंट्रोल डी इज फॉर डी सिलेक्ट, ये अब आपकी एक लेयर बन गई। अब आप ये देखें ऑटोमेटिकली जब आप इसको 100% पे लेके जाएंगे
विच इज एक्चुअली नाउ 300%। ये देखें वोट्स यहाँ पे, तो कंट्रोल माइनस माइनस, अब देखें तो काफी आपको इसकी रीजनेबल लुक नजर आना शुरू हो। ठीक है जी, सो लेट्स ओपन अप आवर रेफरेंस पिक्चर। दिस इज द रेफरेंस पिक्चर है, तो मैं इसका नाम ही रेफरेंस, इस लेयर का नाम ही रेफरेंस पिक्चर। रेफरेंस पिक्चर को हम ओपन करते हैं और उसके बाद नीचे वाले कैरेक्टर की डेवलपमेंट शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के लाइन लेक्चर में, वो ये है कि ये लाइन की कंट्रास्ट, लाइन का साइज कैसे इंक्रीज करें, बिकॉज इसमें फील्ड कलर कुछ भी नहीं होगा, इसमें लाइन कलर होगा। अब अगले वाले आने वाले टूल में हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। ये लेट्स सपोज आपने इसके ईयर्स का सेक्शन बना दिया, लेट्स ब्रेक दिस वन एंड यहाँ पे, और आर्ट पीसेस को नीचे लेके आना, राइट। ओके लेट्स डू दिस, यहां से दैट्स द एंगल, ब्रेक यहां से ये वाला एंगल, एंड आप इसके बाद बालों के नीचे 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 से आप स्ट्रेट स्ट्रेट यहां कंट्रोल प्लस एंटर अगेन। ठीक है, लेकिन बालों के नीचे ये लेयर होगी, इसका मतलब है कि इससे ऊपर लेयर नहीं क्रिएट करनी, इससे नीचे लेयर क्रिएट करनी है। तो आइदर क्रिएट अ न्यू लेयर एंड ब्रिंग इट डाउन, या रेफरेंस इमेज पे क्लिक करके और यहां से क्रिएट न्यू लेयर करेंगे तो इसके नीचे आ जाएंगे। अब आपने बड़ा केयरफुली ये गौर से देखें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। नई लेयर में सेलेक्ट Alt ES, Alt ES, हाँ Alt ES। देखिए मुझे असल में ना वो रेगुलर काम करने के बाद प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही है कि मुझे सारी की जबानी याद है, लेकिन मुझे अगर मेन्यू से कहें तो मुझे सम टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो मैं फौरन से लेता हूँ Alt E से, क्या होता है, ओके एडिट एंड S से स्ट्रोक, ओके डन स्ट्रोक। अब आपने ये जो सिलेक्शन है इस जस्ट का स्ट्रोक क्रिएट करना, स्ट्रोक मीन्स कि जस्ट आउटर लाइन जो सिलेक्टेड है इसकी आउटर लाइन क्रिएट करें। ठीक है, सो चूज आपने वही वाला कलर अगेन करें एंड 5 कर दें, ओके 5 तो बहुत ज्यादा हो गया। लेट्स अनडू, एडिट स्ट्रोक 5 के बजाय 1 कर दें एंड प्रेस ओके। ये देखें रेफरेंस इमेज को जरा थोड़ी देर के लिए क्लोज करें, क्लोज करें या कंट्रोल डी इज फॉर डी सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस माइनस 100% पे जाएं एंड यू फाइंड आउट दिस इज ओके। ठीक है, लेट्स ओपन अप आवर इमेज, लेकिन हमारा 1 नहीं होना चाहिए, प्रोबेबली इसको 2 होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स अनडू, कंट्रोल जेड मींस 1 अनडू, एंड इफ यू वांट टू गो मोर फर्दर अनडूज तो एक तरीका ये है कि विंडोज से हिस्ट्री, ये हिस्ट्री में जाके लेयर ऑर्डर ये देखें, जो जो आपने काम टास्क किए थे ना वो सारे के सारे आते जा रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके ये सारे के सारे खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंट्रोल जी इज फॉर अनडू, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट जी इज फॉर फर्दर अनडूज। कितने अनडूज है, आई थिंक बाय डिफॉल्ट शायद 10 या 15 होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दी 10 टाइम्स वापस जा सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड से आप वापस जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने वापस किया तो हमारा ये स्ट्रोक खत्म हो गया। एडिट स्ट्रोक इंस्टेड ऑफ 1 प्रेस 2 एंड प्रेस ओके। अब आई थिंक ये मोर, सॉरी कंट्रोल डी करना था, कंट्रोल माइनस माइनस 100% एंड नाउ इट सीम्स वेरी मच ओके। ठीक है, अब ये क्योंकि सेपरेट पेयर है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे या जिधर भी आप करना चाहते हैं लेके आ सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये एडवांटेज है नई लेयर क्रिएट करने का। सो लेट्स क्रिएट अनदर लेयर, लेकिन उससे पहले रेफरेंस, रेफरेंस में अब आपने ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ये भी पेन टूल से ही आज बनानी। ठीक है, पेन टूल से कैसे बनानी है और उसमें से बाकी एरिया कैसे एलिमिनेट करेंगे ये आज मैं आपको। ठीक है, so let's create eyebrows first,
एक तरीका ये है कि आप ये लगाएं और इससे आईब्रोज बना लें, ओके ये भी आप करके एक तरीका इससे बनाते हैं और दूसरा तरीका पेन टूल से कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर, ये वाला हो गया, इसी के ऊपर क्रिएट अ न्यू लेयर एंड एडेड एंड स्ट्रोक एंड टू, ओके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डीसेलेक्ट करेंगे तो ये सारा आ गया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहां से ये एरिया सेलेक्ट करें और इसमें से डिलीट कर दें, या ये तरीका ना करें, आप यहां से इरेजर उठाएं और सिंपल इरेजर टूल से यहां से इसको इरेज कर दें, क्योंकि ये इट्स अ सेपरेट लेयर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप किसी टाइम पे भी रेफरेंस इमेज को आउट करें एंड हियर इट कम्स, इसकी बनाएं एक कॉपी, इसको उठा के लाएं यहां पे और ट्रांसफॉर्म से इसको इस वाले एज को उठाकर यू ले एंटर एंड लेट्स मूव इट अप, जिस भी जगह पर रखना है आपने। सो इसका मतलब है कि ये दो आपके ये वाला पोर्शन आ गया इधर। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो जल्दी जल्दी से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये दो सर्कल बनाने हैं, तो ये घुमस गई नहीं, ये हम इलेप्टिकल टूल से थोड़ा सा आईज इस शेप की बनाते हैं। पहले एक वो नई लेयर, ये कॉपी आर्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी, इस वाले रेफरेंस पिक्चर को करें थोड़ी देर के लिए ऑफ, लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस यहां से इधर, या कंट्रोल प्लस आर्ट की से इसके ऊपर लाकर एक कॉपी रख, सो दैट मीन कंट्रोल आर्ट से ये दूसरी कॉपी इसकी बन गई, तो इस तरह बन गया ये वाला इमेज। I think let's stop here for a second, और इस जो remaining चीज रहेगी उसको यहीं से continue करने के लिए हम दोबारा start करते हैं, ठीक है। So अभी क्योंकि अब ख्वाहिश थी आपकी, तो मजबूरन आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, the reason is कि this video has to save।